क्वेश्चन नंबर सिक्स आपका कह रहा है एक्सप्लेन वाई 7 × 11 × 13 + 13 एंड 7 × 6 × 5 × 4 × 2 × 1 + 5 आर कॉम्पोजिट नंबर्स। तो वो ये पूछना चाह रहा है कि ये दोनों कॉम्पोजिट नंबर्स हैं बट क्यों है या कैसे हैं वो आपको बताना है। जैसे हम पहला नंबर ले रहे हैं यानी 7 × 11 × 13 + 13 अब ये केवल 13 को 13 से प्लस करने को नहीं कह रहा है, ये पूरा मल्टीपल है जो इसका आंसर आएगा उसे 13 ऐड करना है। इन शॉर्ट अगर मैं कहूं इन दोनों में से 13 कॉमन है आपका, तो अगर मैं 13 कॉमन निकालूं तो इनटू ब्रैकेट क्या बचेगा यहाँ पे 7 × 11 ये तो बाहर चला गया +1 क्योंकि 13 तो बाहर आ गया है। तो 7 × 11 कितना हो जाएगा 77 + 1 और 77 क्या है आपका 77 + 1 = 78। तो ये नंबर भी कैसा है आपका, किसी न किसी प्राइम का मल्टीपल है, तो 13 × 6 = 78 ये भी आपको पता है। और 6 के आपको प्राइम फैक्टर्स पता ही है 2 × 3 × 13² और हमें पता है कि हर कंपोजिट नंबर प्राइम नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन से बना हुआ होता है। तो जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमें सारे के सारे प्राइम नंबर्स मिले, हेंस इट इज अ कंपोजिट नंबर। सिमिलरली जब आप सेकंड वाला नंबर ले रहे हैं तो ये पूरा आपका एक मल्टीप्लीकेशन वाला है और ये उसके बाद इसमें आपको फाइव ऐड करना है, दोनों में से फाइव आपका कॉमन निकल जाएगा, इनटू ब्रैकेट क्या बचेगा 7 × 6 × 4 × 3 × 2 × 1 से कुछ फर्क नहीं पड़ता हमें फिलहाल +1। तो यहां पर आपका फाइव रह गया, यहां पर कितना हो गया 7 × 6 = 42 × 24 हम डायरेक्टली मल्टीप्लीकेशन नहीं कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, हम लोग इस तरीके से बाद में इसे कर सकते हैं। तो 42 × 24 हम लोग जो नॉर्मल आप मेथड करते हैं वो कर लीजिएगा। होता है 1008 5 × 1008 + 1 ये 1008 में जब हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 × 1009 1009 आपका कैसा नंबर है, प्राइम नंबर है, ये किसी के टेबल से जा सकता है। तो हमने देखा ये भी एक प्राइम है और ये भी एक प्राइम है, इनडायरेक्टली हमें ये मालूम पड़ा ये भी एक कॉम्पोजिट नंबर है क्योंकि ये भी प्राइम नंबर के मल्टीप्लीकेशन से बना हुआ।